अगर स्मार्टफोन खो जाए तो सबसे बड़ी समस्या होती है आपकी व्हाट्सएप चैट कोई न पढ़ ले। इससे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में किसी को भी जानकारी मिल सकती है। अगर आपका स्मार्टफोन खो जाए और आप अपने पर्सनल चैट को किसी की नजरों में आने नहीं देना चाहते हैं तो आपको फॉलो करने होंगे कुछ टिप्स। अगर आपका स्मार्टफोन खो जाता है तो सबसे पहले अपने सिम कार्ड को लॉक करें। इस नंबर के जरिए आपका व्हाट्सएप कोई ओपन नहीं कर पाएगा। क्या आपको पता है कि व्हाट्सएप नंबर को एक समय पर एक ही नंबर से एक्टिवेट किया जा सकता है? ऐसे में अगर आप सिम कार्ड लॉक करा देते हैं तो आपका व्हाट्सएप दूसरा व्यक्ति एक्सेस नहीं कर पाएगा। नया सिम कार्ड खरीदें और उससे अपने व्हाट्सएप को एक्टिवेट करें। अगर आप व्हाट्सएप चैट के लिए नया सिम कार्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप की आईडी पर मेल करना होगा। ये आईडी होगी support@whatsapp.com। इस ईमेल में आपको lost/stolen:please deactivate my account फ्रेज का इस्तेमाल करना होगा। यहाँ नंबर को इंटरनेशनल फॉर्मेट में देना होगा। अपनी चैट्स का दोबारा बैकअप लेने के लिए हमेशा गूगल ड्राइव पर व्हाट्सएप डाटा का बैकअप रखें। आपके कॉन्टेक्ट से जुड़े हुए यूजर्स आपको मैसेज भेज सकते हैं लेकिन वो 30 दिनों तक ही पेंडिंग रहेंगे। अगर आप अकाउंट डिलीट होने से पहले उसे दोबारा एक्टिवेट करते हैं तो आपके पास पेंडिंग मैसेज आ जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने 30 दिन के अंदर अपना अकाउंट एक्टिवेट नहीं किया तो आपका अकाउंट हमेशा के लिए डीएक्टिवेट हो जाएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप में यूजर्स को एक नई प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। यूजर्स की पुरानी चैट खुद ब खुद गायब हो रही है। यूजर्स इस बात से हैरान हैं कि आखिर उनके पुराने मैसेजेस कहाँ जा रहे हैं। इस स्थिति में आप अपने व्हाट्सएप चैट का बैकअप लेकर रखें, इससे आपको कम परेशानी होगी। अमर उजाला.com